Hello everyone, I am your host Pradeep Yadav from Agrians Academy Dehradun and I'm back with another video. आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे FCI एग्जाम के बारे में, जो कि आपका एग्जाम 27th ऑफ जुलाई को होने वाला है, ठीक है। तो आज से हमारे जो भी लेक्चर होंगे हम सब में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने FCI एग्जाम के लिए। तो हमारा टारगेट है FCI एग्जाम 2019, ये इसका पार्ट वन है। आगे और भी इसके पार्ट आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन बातें बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस में देखो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, एक तो है स्टैटिक पार्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सिस, दूसरा हमारे पास है एंटोमोलॉजी, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन और एंटोमोलॉजी। तो सीरियल्स और पल्सिस में स्टैटिक पार्ट आपको हम कवर करा दें क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। उसके अंदर जो आपका डेटा वाइज है क्वेश्चन वो सारा कवर होगा, क्रॉप्स के बारे में, कितना टेम्परेचर है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सा इरिगेशन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इन सब के बारे में। जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो आपका है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो हमारा है एलिमेंट्री का जो पार्ट है उसके अंदर आपको कवर करना है बेसिक्स, यानी कि इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट क्या होता है, उसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, उसके कितने टाइप के एंटीना होते हैं, लेग मॉडिफिकेशन, विंग्स मॉडिफिकेशन, इन सब के बारे में। उसके बाद क्रॉप वाइज कौन कौन से इंसेक्ट हमारे पास है, ठीक है, खासकर बेस्ड होंगे सीरियल्स और पल्सिस के ऊपर। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टोर्ड ग्रीन पेस्ट और कुछ स्प्रेयर्स के बारे में, ओके। तो ये था आपका सिलेबस पोर्शन के बारे में, बाकी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं बस आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के कुछ MCQs दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल स्टडी के लिए आपको PDF प्रोवाइड करूंगा और PDF आपको अवेलेबल होगी 20th of July को शाम को 5 बजे के बाद, ओके। एक लिमिटेड सा अमाउंट आपको पे करना होगा, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो उसे आप PDF खरीद सकते हैं, एक हमारी ई-बुक होगी पढ़ने के लिए। तीसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया आपके FCI एग्जाम के लिए। वो इनिशिएटिव ये है, अब मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूंगा उस हर वीडियो के लास्ट में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर मैं नहीं दूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। आंसर सेंड कैसे करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आंसर सेंड करिए वीडियो के पोस्ट होने के ठीक 1 घंटे बाद, ठीक है। उसमें से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और जिसका आंसर सबसे ठीक होगा, मैं उनका नाम इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, ताकि आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपको तैयारी करने में मजा आए और आपको एक अच्छा पैकेज मिले तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कितना सक्सेस होता है, बाकी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर FCI एग्जाम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिल्वर शूट एंड ऑनियन लीफ लाइक सिम्टम्स इन राइस क्रॉप इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। ये आपके सिम्टम बता रखे हैं जो राइस क्रॉप में होते हैं, कौन से इंसेक्ट के अटैक की वजह से होते हैं, एंड द ऑप्शंस आर गॉल मेज, राइस गंदी बग, ग्रीन लीफ ऑपर या राइस स्पा। कोशिश करो आंसर देने की, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर शो कर देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन ए गॉल मेज। गॉल मेज जब राइस के फील्ड में जब अटैक करता है तो उसके सबसे पहले सिम्टम आते हैं सिल्वर शूट और ऑनियन लीफ, ठीक है, उनके लीफ की शेप चेंज होती है और इस तरह के सिम्टम उसमें आने स्टार्ट होते हैं, तो मतलब वो अटैक है गॉल मेज के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टोरेज इंसेक्ट विच कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी इज। अब देखो मैं इस लेक्चर में आपको हर तरह के क्वेश्चन शो करूंगा, क्रॉप वाइज भी, इंसेक्ट के बारे में भी, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में भी, और भी एडिशनल चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो मैंने हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा के आपको शो किया, ताकि आपको ये पता रहे एग्जाम में कि यार जो चीज आप पढ़ रहे हो उस पढ़ी हुई चीजें में से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन का जो तरीका है घुमाने का वो क्या तरीका होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका ऑप्शन शो करता हूँ, राइस वीविल, ग्रेन वीविल, खपरा बीटल या रेड रस्ट फ्लोर बीटल। ऑप्शन में जो आपके दे रखे हैं ये सबके सब हमारे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, लेकिन इसने पूछा है जो हायर टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करता है वो हमारा है खपरा बीटल। नेक्स्ट वी हैव, हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस। इसका शायद आप लोग आंसर जानते भी होंगे, लेकिन ऑप्शन है न्यू डेली, बेंगलोर, विशाखापट्टनम या फरीदाबाद। इसका आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट वी हैव, हॉपर बर्न सिम्टम इन राइस फील्ड इज ड्यू टू। अब ये किसी दूसरे इंसेक्ट का सिम्टम है जिसमें हमने नाम दिया हॉपर बर्न, तो ये किसकी वजह से होता है, राइस गुंदी बग, BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, राइस केस वॉर्म या व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। एंड योर आंसर इज BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, और इसका साइंटिफिक नेम है नीला पर्वता ल्यूजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट इज, टर्माइट्स, आर्मी वॉर्म, गुजिया वीविल या व्हीट एफिड।
हमारे सामने चार ऑप्शन है, ये चारों ही ऑप्शन जो आपके पेस्ट के हैं ये सबके साथ आपके व्हीट के क्रॉप में आते हैं, लेकिन इसने बोला सीरियस पेस्ट। अब सीरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले पेस्ट के बारे में, ठीक है, कि पेस्ट क्या होता है। पेस्ट के बाद हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे आपने सुना होगा नाम, एंडेमिक पेस्ट, एपिडेमिक पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, सीरियस पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, की पेस्ट, काफी सारे पेस्ट की कैटेगरीज है, तो उनमें से एक होता है सीरियस पेस्ट। अब सीरियस पेस्ट क्या होता है, एक ऐसा पेस्ट जिसका जो मेन डैमेज है, मेन डैमेज इज डन बाय लार्वा, जो उसका लार्वा होगा, लार्वा उसका मेन डैमेज करता है किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, ठीक है, लीफ माइनर के ऊपर, और वो उसमें ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेस बनाने स्टार्ट करता है। सो द डैमेज इज मेनली डन बाय लार्वा एज द फीड ऑन लीफ माइनर एंड प्रोड्यूसेस ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेस ऑन लीफ सर्फेस इज नोन एज द सीरियस पेस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है सीरियस पेस्ट के बारे में। सीरियस पेस्ट कौन कौन से होते हैं, अगर हम राइस की बात करें तो उसमें राइस हिस्पा, ब्राउन प्लांट होपर, और कॉटन की बात करें तो स्पॉटेड बॉलवॉर्म, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सीरियस पेस्ट है जो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। वीट में जो आपका आंसर होगा वो है टर्माइट्स, तो टर्माइट इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ वीट। बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं जो मैंने अभी नाम लिए उनके बारे में हम कभी अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वहां से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आर्मी वॉर्म इट इज अ पोटेंशियल पेस्ट ऑफ वीट एंड कॉज नो एनी इकोनॉमिक डैमेज, एक ऐसा पेस्ट जो कोई इकोनॉमिक डैमेज नहीं करता, लेकिन हमने उसको नाम दिया पोटेंशियल पेस्ट, यानी कि एक ऐसा पेस्ट जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्रॉप में डैमेज कर सकता है, और वो डैमेज कब करेगा, जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तब। अगर आपकी ठीक एनवायरमेंटल कंडीशन है तो उस पेस्ट का क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई एज पर अकॉर्डिंग टू पेस्ट जिसमें सर्वाइव कर सकता है, तब वो क्रॉप में अटैक कर सकता है, अपना डैमेज दिखा सकता है। तो इसलिए जो आर्मी वॉर्म है, आर्मी वॉर्म इज ए पोटेंशियल पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडीबीसी, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 इज हेडक्वार्टर्ड एट। ऑप्शन शो करता हूं मैं, बेंगलोर, चेन्नई, लुधियाना या जयपुर। अब आप में से काफी लोगों ने नाम शायद पहली बार सुना होगा, मैं आपको एक हिंट शो करता हूं, हिंट देखने के बाद शायद आप लोग इसका आंसर दे पाए। PDBC is renamed as NBAII, यानी कि National Bureau of Agricultural Important Insects in 2009. 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया National Bureau of Agricultural Important Insects. तो अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके बारे में कि आपने पढ़ा है और आप इसका आंसर दे भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IOBC, International Organization of Biological Control is headquartered at, and the options are इंडिया, स्विट्जरलैंड, केनिया या वेस्ट इंडीज। इसका आंसर है हमारा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वैक्स मॉथ यानी कि गैलेरिया मेलोनेला इज ए मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ, सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या एपिकल्चर। नाम से क्लियर लग गया होगा वैक्स मॉथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिकल्चर। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई एंड शूट फ्लाई इज नोन एज, निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब या मैगट। चार तरह के लार्वा होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसने पूछा लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई एंड शूट फ्लाई इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं मैगट। इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है ये टाइप्स ऑफ लार्वा। सबसे पहले हमारे पास निम्फ है। सो निम्फ इज द इमेच्योर स्टेज ऑफ बग्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड एंड जैसिड, विच कम्स अंडर द ऑर्डर हेमिप्टरा, एंड द इमेच्योर स्टेज ऑफ ग्रास ऑपर, लोकस्ट, विच कम्स अंडर द ऑर्डर ऑफ ऑर्थोप्टरा आर द निम्फ्स। ये निम्फ के बारे में कि कौन कौन से इंसेक्ट जो है निम्फ की कैटेगरी में आते हैं। कैटरपिलर आपको पता है कि बटरफ्लाई उसके अंदर आती है, तो बटरफ्लाई है, मॉथ, बॉलवॉर्म, बोरर, लूपर एंड सेमी लूपर कम्स अंडर द लेपिडोप्टरा आर द कैटरपिलर्स। देखो मैं ये चीज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जब आप स्टडी करेंगे इंसेक्ट की बेसिक स्टडी करेंगे, जब आप मेरी पीडीएफ लेंगे या जो आपके पास सोर्स ऑलरेडी है आप वहाँ जब स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंसेक्ट कौन से ऑर्डर में आता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा होना, हमेशा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि दिस इंसेक्ट कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो बग्स है, व्हाइट फ्लाई है, बटरफ्लाई, मॉथ, तो इसलिए मैंने साथ में ऑर्डर लिखे हैं कि निम्फ में कौन कौन से किस ऑर्डर में आएंगे और कैटरपिलर में कौन से ऑर्डर में आते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रब, द लार्वी ऑफ बीटल्स, वीविल्स कम्स अंडर द ऑर्डर कॉलियोप्टरा, एंड द लार्वी ऑफ बी, वॉस्प एंड ब्रेकोनिड्स कम्स अंडर द ऑर्डर हाइमनोप्टरा आर द ग्रब्स। लास्ट हमारे पास है मैगट्स, हाउस फ्लाई, शूट फ्लाई, मिज विच कम्स अंडर द ऑर्डर डिप्टरा आर लेगलेस इन नेचर आर मैगट्स। एक और कंडीशन है यहाँ पे कि मैगट्स में जो है वो लेगलेस होते हैं, सो दे आर नोन एज द मैगट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप एंटीना इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। अब ये चीज है एंटीना के बारे में, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाऊंगा, तो ये एंटीना के बारे में है। टोटल हमारे पास 11 टाइप्स के एंटीना होते हैं, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे इसके बेस के ऊपर कि कौन से इंसेक्ट में किस टाइप का एंटीना होगा। ऑप्शंस देता हूं पहले आपको, ग्रास हॉपर, टर्माइट्स, हाउस फ्लाई या पल्स बीटल, और आपका आंसर है ग्रास हॉपर। ठीक है, अब जब भी आप एंटीना के बारे में स्टडी करेंगे तो ध्यान रखना आपको एंटीना का नाम याद करना है, उसका कोई भी इंपोर्टेंट कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, किसी में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, किसी में फेदर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे होंगे, और साथ में वो कौन से इंसेक्ट के अंदर, मतलब वो इंसेक्ट कौन से ऑर्डर में आता है। तो यहाँ से आपको एक ही बार में चारों चीजें कवर हो जाएगी, एंटीना का नाम, उसका कैरेक्टर, इंसेक्ट का नाम और साथ में उसका ऑर्डर भी। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको एग्जाम में अपियर होने के लिए, आपको एग्जाम में क्लियर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खपरा बीटल ए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट विच हैज टाइप ऑफ एंटीना, हैज विच टाइप ऑफ एंटीना, एरिस्टेट, प्लूमोज, कैपिटेट या सेटेशियस, एंड योर आंसर इज कैपिटेट। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, एग्जाम में इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में मान लो ये पूछ लेंगे कि कैपिटेट जो आपका एंटीना का टाइप है वो कौन से स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में मिल सकता है, तो आपको दोनों तरीके से चीजें याद करनी है भाई, ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन दिया होगा वही चीज याद कर ली, दोनों तरीके से करेंगे। तो जब भी आप स्टडी करते हैं एग्जाम के लिए, तो मान लो आप कोई सब्जेक्टिव चीज पढ़ रहे हैं या कोई आप किसी की बुक फॉलो कर रहे हैं, किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें से आप कोशिश करो कि खुद के क्वेश्चन बनाने के लिए आपने एक लाइन पढ़ा, उस एक लाइन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो उसी एक लाइन को बार बार घुमा फिरा के दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के हिसाब से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट लेग इज 5 सेगमेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड सेगमेंट। जो इंसेक्ट का जो एक लेग है वो टोटल 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है, थर्ड सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑप्शन आर फेम्यूर, टार्सस, कॉक्सा या टिबिया। आंसर इज फेम्यूर, और ये आपके सामने इंसेक्ट के लेग की मॉडिफिकेशन, सबसे पहले होता है कॉक्सा, उसके बाद ट्रोकेंटर, फेम्यूर, टिबिया एंड टार्सस। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी से जो अटैच लेग का पोर्शन है, उस अटैच लेग के पोर्शन को क्या बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सा, या फिर पूछ लेंगे कॉक्सा और फेम्यूर के बीच में कौन सा पार्ट वेरी करता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अवेयर रहना है। तो ये इंसेक्ट के टोटल लेग के 5 सेगमेंट्स हैं, इधर कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फेम्यूर, टिबिया एंड टार्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्म फ्रॉम विच मोर देन 50% ऑफ इनकम इज डेराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल एंटरप्राइज इज, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये, एक्सटेंसिव फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। पहले मैं आंसर शो करता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर इसका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देखो यहाँ पे इसने बात की है कि कोई ऐसा फार्म जिसके अंदर जो इनकम या जिसके अंदर जो इनकम है वो मोर देन 50% होनी चाहिए, एक सिंगल एंटरप्राइज है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। जिसके अंदर इनकम होगी लेस देन 50% फ्रॉम ए सिंगल एंटरप्राइज उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लेके आते हैं जस्ट टू इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है भाई, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम एक लैंड को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन के अंदर लेके आते हैं आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। सो व्हेन द मोर लैंड इज ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग आपको बखूबी पता है मिक्स का मतलब क्या होता है, और फार्मिंग अगर हमने वर्ड यूज किया तो हम वहां पे कहेंगे एनिमल रियरिंग की बात कर रहे हैं, एनिमल की ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, या हम एनिमल हस्बेंड्री को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड विद रियरिंग ऑफ एनिमल इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ थोरैक्स इज, इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इसने पूछा थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन या सेंसरी परसेप्शन। एग्जाम में ऐसे सिंगल वर्ड के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये नहीं कि आपको पूरी वहां पर नाम कहानी लिखी मिलेगी, आपको सिंपल एक या दो वर्ड के आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वहीं से पहचान जाएगा यार इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो थोरेक्स का मेन फंक्शन है लोकोमोशन। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे डाइजेशन या सेंसरी परसेप्शन, लेकिन गलत है, लोकोमोशन, बिकॉज वहां पे प्रेजेंट है विंग्स और लेग्स, तो उसकी बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोकोमोशन, तो इसका मेन फंक्शन है थोरेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशन, एंड द ऑप्शंस आर FCI, NAFED, NCCF या ट्राइफेड। इसने पूछा नॉट ए कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशन। अब इसका आंसर मैं यहां पे शो नहीं करूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे।
ठीक है। और आंसर देने का तरीका नीचे दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर है अपना आंसर सेंड कीजिए। आंसर कब सेंड करना है? वीडियो पोस्ट होने के ठीक एक घंटे बाद। जैसे मान लो अगर मैंने वीडियो पोस्ट की 5 बजे, तो 6 बजे या उसके बाद आपका आंसर आएगा। उससे पहले अगर कोई आंसर है तो मैं उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा। एक घंटे बाद आप अपना आंसर पोस्ट कीजिए। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा जिन 5 स्टूडेंट्स का, और जिसका आंसर ठीक होगा, मैं उसका नाम अपनी अगले आने वाली वीडियो में पोस्ट करूंगा। ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखो यार, पढ़ता हर कोई है, तैयारी सब कोई कर रहा है, सबके पास अपना अपना मटेरियल पढ़ने के लिए। अब वो मटेरियल कितना ऑथेंटिक है, आप कैसी स्टडी कर रहे हैं, और एक कंपटीशन की भावना आप में आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आप अभी तो फिलहाल आप अकेले बैठकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका नाम पूरे इंडिया के सामने आएगा, पूरे बाकी व्यूअर्स के सामने आएगा, तो फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार, उस चैनल में मेरा नाम आया था, तो मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप कोशिश करोगे कि अगली वीडियो में भी आप ही का नाम आए, है ना। तो इस तरीके से आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना आनी स्टार्ट होगी, और आपका जो तैयारी का लेवल है वो एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज यूजली एग्जिस्ट फॉर फूड ग्रेन्स, ऐसी कौन सी मार्केट है जो यूजली फूड ग्रेन्स के लिए एग्जिस्ट करती है, एंड ऑप्शंस आर लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, रीजनल मार्केट या टर्मिनल मार्केट, और इसका आंसर भी आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब स्टडी करेंगे ना, तो यार पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, और आपको जब आप एग्जाम में जब अपियर होंगे, तो आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, ठीक है। तो गाइज ये था आज के लिए, हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।